thank <laughs> you नमस्कार डीडी राजस्थान के कार्यक्रम कानून की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों किसी भी मजबूरी के चलते जब किसी बालक को बाल श्रम में धकेल दिया जाता है तो जो चीज दिखाई देती है वो उसके द्वारा कमाया गया पैसा ही दिखाई देता है किसी भी बच्चे को जब बाल श्रम के द्वारा एक उसके व्यक्तित्व का सत्यानाश किया जाता है तो हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि कब वो बच्चा अपने बचपन से जवानी की तरफ और जवानी से बुढ़ापे की तरफ निकल गया बाल श्रम एक अपराध है ये हम सभी जानते हैं आइए जानते हैं बाल श्रम इस अपराध के लिए हमारे देश में कौन कौन से विशेष कानून बनाए गए हैं और इसके लिए और कौन कौन सी शास्त्रियां हैं हमारे आज के कार्यक्रम में जिसका शीर्षक है बाल श्रम अपराध है और इसकी जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के विशेषज्ञ आइए लेते हैं इनका परिचय आप है श्री अनिल कुमार शर्मा जी अनिल कुमार शर्मा जी आपका हमारे आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद तो दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हमारे आज के कार्यक्रम में जो बाल श्रम अपराध जिसकी हम बात कर रहे हैं उसी के बारे में कि सबसे पहले कि बाल श्रम में जिसको बालक कहा जाता है वो बालक आखिर है क्या तो अनिल कुमार शर्मा जी मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि बाल श्रम में हम जिसको बालक कह रहे हैं या जिसको बाल कह रहे हैं ये बालक आखिर होता क्या है अपने जो कानून के हिसाब से है वो बाल बालक वो होता है जिस बच्चे की उम्र, उम्र चौदह हम इलेक्शन तो के लिए जिसको सेलेक्ट करते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जिसको अठारह साल में मानते हैं तो चौदह से अठारह के बीच में फिर क्या हुआ उसको किशोर मानते हैं अच्छा वो किशोर हुआ तो मतलब ये कानून जो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चौदह साल से छोटे हैं हाँ। उन्हीं लोगों के लिए बाल श्रम जो चौदह हाँ। से अठारह के बीच में अगर कोई काम करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा नहीं वो भी आएगा वो अठारह से तक आएगा लेकिन वो किशोर में आएगा उसमें कुछ समझने की पर, परिस्थितियाँ आ जाती है चौदह के बाद में वो क्या चीज है वो किशोर जो बालक होता है वो किशोर ये होता है कि उसमें उसको बहुत कुछ समझ में आ जाता है चौदह साल तक बच्चे का मानसिक डेवलप नहीं होता है उसका थोड़ा उस उस परिस्थिति में होना शुरू हो जाता है अच्छा तो मतलब मानसिक विकास जो है वो चौदह साल से कम बच्चे का नहीं हो, नहीं हो पाता और उसके बाद में वो कुछ ट्रेनिंग वगैरह कर सकता है तो चौदह से बाद में 18 वाला किशोर कहलाता है आ। जी अच्छा बाल श्रम जिसके ऊपर ये पूरा कानून बना हुआ है उसकी जानकारी तो मैं आपसे आगे चाहूंगी ही सबसे पहले जानना चाहती हूँ की बाल श्रम आखिर क्या है ये हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताए बाल श्रम वो है जिसके अंतर्गत क्या होता है की जो सरकार ने निर्धारित जो अपने कानून ने निर्धारित आयु सीमा तय कर रखी है उससे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनसे अपन जो काम कराते हैं उसको बाल श्रम में आता है बाल श्रम के जो होने के बहुत सारे कारण रहे हैं अपने भारत देश के अंतर्गत इसमें क्या होता है कि जो मेन कारण है जो अपन इसमें समझते हैं उसमें यह है भारत में एक तो सबसे बड़ी जो समस्या है भारत की वो है बेरोजगारी दूसरी है भारत भारत की आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब है ग्रामीण क्षेत्रों में या जैसे मान लो कहीं भी देखते हैं अपन तो बाल श्रम बढ़ने का जो मेन कारण है वो ये है कि जैसे गाँव में या शहरों के अंतर्गत जो गरीब लोग हैं उनके पास बेरोजगारी है बेरोजगारी होने की वजह से बाल श्रम होता है गाँव से लोग शहर की तरफ आते हैं गाँव में क्या होता है कि बेरोज काम तो होता नहीं काम है है नहीं बेरोज़गारी है इस वजह से उसके बच्चों के जो बालक होते हैं वो उनके माता पिता होते हैं वो शहरों में काम के लिए आते हैं कई परिस्थितियों में वो बच्चों को भी साथ लेते हैं उस परिस्थिति में वो जब काम के लिए जाते हैं बच्चे घर पर जाते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं तो उनको भी किसी काम के अंतर्गत लगाया दिया जाता है तो जो बालकों की मनोदशा को देखते हुए या जो उनके पढ़ने की उम्र है उस दौरान बच्चों को जो काम कराया जाता है वो बाल बाल श्रम के अंतर्गत आता है इसमें अपने जो बाल श्रम को पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा इसमें कि बाल श्रम अपने भारत देश में क्यों हो रहा है उसके बाद में आपको ये बताऊंगा इसको रोकना किस प्रकार से चाहिए अपने को या रोकने के अपने पास क्या उपाय हो सकते हैं पहला अपना है बाल बाल श्रम जो है सबसे मेन अपने है भारत देश में अज्ञानता लोगों को शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है अपने यहाँ पे शिक्षा के अभाव होने की वजह से हर आदमी अब शिक्षा में परिपूर्ण नहीं है दूसरा बेरोजगारी है तीसरी है निर्धनता भारत देश में निर्धनता है अशिक्षा जब लोगों के पास है शिक्षा का अभाव है इसमें है ना एक अपने हाई कोर्ट का कोई जजमेंट भी था सरकार उसमें था एम सी मेहता से तमिलनाडु उसमें भी कहा गया था कि सब बच्चों से मजदूरी ना कराया जाए तो इसमें एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको कि जो अपने ये बाल मजदूरी बढ़ने का जो मेन कारण है वो है अपनी चौथा पॉइंट जो अब मैं बताना चाहूंगा वो है अपने भारत देश में जनसंख्या वृद्धि का ज्यादा होना तो जब अपने पहला मैं पॉइंट डिस्क्राइब आपको बताना चाह रहा हूं उसमें भाई जैसे भारत देश में अज्ञानता अज्ञानता होने की वजह से माता पिता सही दिशा में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और काम नहीं करने की वजह से वो कहीं शहर में चले जाते हैं वो मजदूरी वगैरह करते हैं उस परिस्थितियों में आज की परिवेश में और सामाजिक जो अपने अंधविश्वास भी चले आ रहे हैं इसके साथ उन सब परिस्थितियों को देखते हुए अपन ये देखते हैं कि बाहर जो अपने अज्ञानता है उससे माँ बाप कहीं मजदूरी के लिए जाते हैं मजदूरी पे जाने की वजह से बच्चे भी कहीं पीछे पढ़ते तो है नहीं वो माँ बाप का कोई ध्यान नहीं रहता है माँ बाप शाम को थके आ रहे आते हैं इसलिए बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते तो बच्चे क्या करते हैं उस परिस्थिति में अपने भारत देश में काफ़ी कुछ

इसके अलावा आईपीसी में भी कानून है और एनजीओ वगैरह भी इसके लिए काफ़ी प्रयास रहते हैं इसमें अलग अलग कानून है जे जे एक्ट में क्या होता है कि जो बच्चों के द्वारा अपराध हो जाते हैं या बच्चों द्वारा कर दिए जाते हैं वो अपराध आते हैं जे जे एक्ट में इसमें लगभग सेवन एट्टी के आसपास धाराएं जुड़ी हुई है जिसमें बच्चों के संरक्षण से लेके उनके बाल मजदूरी से रोकने के लिए इसके अलावा सारे कानून जे जे एक्ट में बता रखें और यदि <स्थाँ> बच्चों के प्रति बड़ों से कोई अपराध होता है वो आता है पोक्सो एक्ट में जैसे मान लो उनका देश शोषण है उनसे यह आता है पोक्सो एक्ट में इसके अलावा बच्चों से जो बाल मजदूरी करवाई जाती है वो आती है आईपीसी की धारा तीन सौ सत्तर पाँच के अंतर्गत तीन सौ चौहत्तर दास्ता वगैरह जो होती है बाहर से बच्चों को ला जो अपन यहाँ काम कराए काम कराते हैं वो आई के अंतर्गत आती है जी आ, अनिल जी मैं जितना अभी इसको समझ पाई हूँ कि आ, हम लोग जो आज की चर्चा जो कर रहे हैं ये अः हम उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं जो चौदह साल से कम उम्र के हैं हा? तो चौदह साल से कम उम्र के बच्चे तो वैसे ही अः आपके जी आपने जो बताया है ज्वेलिन जस्टिस जो कोर्ट बनाया गया है बच्चों के लिए अलग से हा? उसी धारा के अंदर आता है तो अगर ऐसी स्थिति में हमारे पास जो बच्चे आ जाते हैं या पकड़े जाते हैं उनको फिर कहाँ रखा जाता है इनको बाल सुधार ग्रह अपने भारत अपने भारत में कई जगह हैं अपने राजस्थान में भी है जयपुर में भी किशोर न्याय बोर्ड वगैरह होते हैं यह तो अपने किशोर न्याय तो हो गया अपना बच्चों का न्यायालय हो गया इसके अलावा एक बाल सुधार ग्रह होता है उसमें लड़के और लड़कियाँ जिनकी उम्र चौदह वर्ष से इसमें लड़के भी होते हैं लड़कियाँ भी होती हैं दोनों होते हैं तो इसमें चौदह वर्ष से जो कम बच्चे होते हैं कम उम्र के जो बालक या बालिकाएं होती है उनसे कोई ऐसा होता है ऐसी परिस्थितियों में तो उनको बाल सुधार गृह बालिका सुधार गृह एक अपने यहाँ जयपुर में टोंक फाटक के पास में भी है और वहाँ नगर के पास में भी है अच्छा तो जयपुर में काफी जगह ये हाँ, काफी जगह है, जग है। और इसके अलावा एनजीओ के भी खुले हुए हैं सर जी एनजीओ के माध्यम से भी बहुत खुश हाँ। है आ, अनिल जी, मैं जानना चाहती हूँ की आपने हमें ये बता दिया की ये कानून क्या है किसके लिए है और इसके कारण क्या है और बच्चे अगर इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो उनको किस तरह से सुधार गृह में भेजा जाता है यह हमारे दर्शकों को विस्तार से आप बताइए जो एक दो परिस्थितियां होती है इसमें क्या होता है कि एक तो बच्चों को जबरदस्ती जो धकेला जाता है उसमें माँ बाप भी कहीं ना कहीं दोषी है इसके साथ जो इनसे काम करवाते हैं बच्चों से जो काम करवाते हैं वो भी दोषी है इसमें बच्चों के साथ जो बच्चों से जो काम लेते हैं वो भी इसके लिए सजा पाने के अकदार रहेंगे है उसमें जो बच्चों से काम करवाते हैं उसमें उनको जो सजा है वो आजीवन कारावास है 20 सा, दस साल सजा है और इसके अलावा जुर्माना भी है जुर्माना इनको पचास हजार से लेके दो लाख तक का जुर्माना है इसमें अच्छा ये तो आपने बताई कि ये सभी लोगों को होता है अगर माता पिता ही बच्चों को जबरदस्ती ऐसी चीजों में डालें तो उनके लिए क्या सजा के प्रावधान है अगर माता पिता ऐसा कुछ करते हैं और अगर वो प्रथम बार अगर उनका कोई दोष होता है तो उस प्रथम बार जो दोष है उसके अंतर्गत न्यायालय में कन्फेस किया जाता है अगर वो कन्फेस करके इस बात का एक शपथ पत्र न्यायालय में पेश करते हैं कि आगे से ऐसा कार्य नहीं करवाया जाएगा उसके लिए उसमें कन्फेस होने के बाद कोई सजा नहीं है केवल जुर्माना लगता है और यदि वो यही कार्य दोबारा करते हैं अगर दोबारा इस कार्य को पाए जाते हैं इस कार्य में लिप्त पाए जाते हैं तो उसके लिए उनको जी सजा दी जा सकती है सजा भी सजा है दस हजार से पचास हजार तक का जुर्माना छह महीने से लेकर दो वर्ष तक की सजा मतलब माता पिता को सजा हो सकती है राजस्थान में भी और इंडिया लेवल पे भी है और महानगरों तो तो में अनिल जी आपने भी देखा होगा मैं भी देखती हूँ और शायद हमारे दर्शकों ने भी ये चीज देखी होगी कि बहुत सारे लोग जैसा कि अभी अनिल जी ने हमें बताया कि गरीबी के कारण लोग पलायन करते हैं और पलायन के बाद शहरों में

ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि लोग राजीनामे के तहत छूट जाते हैं या उनको बेल मिल जाती है तो ये क्या चीज है इस तरह के केसेस के अंदर क्योंकि ये तो बहुत बड़ा अपराध है जिसको हम सीधा ही अपराध बोल रहे हैं तो उसके अंदर ये राजीनामा और ये बेल वाला क्या प्रावधान है इसमें अगर ऐसा कुछ बच्चों के प्रति कोई बड़ा अपराध पाया जाता है तो उसमें राजीनामा नहीं होता साहब उसमें बेल तो कानून का एक प्रोसीजर है उसमें क्या होता है कि फोर थर्टी सेवन में बेल लगती है तो वो न्यायालय के विवेकाधिकार पे डिपेंड करता है कि न्यायालय उनकी बेल लेवे या नहीं लेवे लेकिन जब बेल तो ये होती है कि कुछ समय के लिए वो बाहर आते हैं बेल पे जमानत पे छूट के साथ में जो जमानती देता है उसकी भी गारंटी बनती है कि वो कहीं अपना देश छोड़ के भागे नहीं या कोई जो गवाह होते हैं उनको डराए धमकाए नहीं इस परिस्थिति को देख के उनको बेल दी जाती है और बाकी आप कह रहे हो बेल की बात बेल होने के बाद जब उनका ट्रायल चलता है उसके बाद सजा होती है और सजा में जुर्माना भी होता है सजा भी होती है अच्छा राजीना भी हो जाता है ऐसे केसों में इसमें ऐसे केसों में कभी कोई राजीनामा नहीं होता राजीनामा के प्रावधान नहीं है नहीं अच्छा है। जमानती है ये चीजें ये ये जो अपराध जिसको हम कह रहे हैं क्या ये जमानती है ये संज्ञ अपराध भी है और कुछ अपराध ऐसे हैं जैसे मान लो जो जोखिम से संबंधित कार्य है वो तो गैर जमानती है और जो रेस्टोर वगैरह में या होटल वगैरह में संबंधित जैसे चाय वगैरह ये जो सर्व करते हैं है। है। एक शब्द कहा जोखिम जो हाँ। हाँ। जो की डेफिनेशन है क्या हम इसको परिभाषा लें कि कौन से ऐसे काम है जो जोखिम भरे हैं जो बच्चे कर नहीं सकते और कौन से ऐसे काम है जो बच्चों से कराए जा सकते हैं क्या कोई विशेष परिस्थितियां ऐसी भी हैं जिनमें बच्चों से काम करवाया जा सकता है जोखिम वाले काम वो होते हैं जैसे फैक्ट्री जो कल कारखाने चल रहे हैं उसमें जैसे आग से संबंधित कोई काम हो गया फैक्ट्री बड़ी जो फैक्ट्रियाँ चलती है अपने भारत में तो बच्चे वहाँ के सस्त कम मजदूरी की वजह से और ज़्यादा मेहनत करने की वजह से बच्चे सुबह छः बजे से लगते हैं रात को दस दस बजे तक मैं भी देखता हूँ कई जगह तो इनमें हम भी कई एन के साथ जुड़े हुए हैं और भी कई कार्य करते हैं तो हम भी ये देखते हैं कि बच्चे सुबह छः बजे छः बजे से लेके रात को दस ग्यारह बजे तक काम करते हैं और उनका कई बार घूमने का नहीं होता इस परिस्थिति में बच्चे जब जो जोखिम भरे काम करते हैं वो करते हैं फैक्ट्री हो गई या जैसे मान लो कोई बड़े ये ईंट भट्टों के जो कार्यक्रम चलते हैं ईट जिसमें अपनी ईंट तैयार होके आती है वहाँ भी बच्चे काम करते हैं लेबर का उस ईंट का जो भट्टा चलता है वो इतना जोखिम भरा है कि उसमें क्या है अगर आग जो हो होती है अगर उसमें दो फीट दूर खड़ा भी कोई व्यक्ति है तो वो आग उसको भी पकड़ के अंदर खींच लेती है उस भट्टे के अंतर्गत वो इतना जोखिम भर है उसमें कई बच्चे झुलस जाते हैं कई बच्चे खत्म हो जाते हैं कई उनके बच्चों के माता पिता खत्म हो जाते हैं इस तो इसके लिए हम एक मुहिम चलती है सरकार की ओर से तो जो ईट भट्टों वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होती है फैक्ट्री वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होती है ये ऐसे कार्य हैं जो जोखिम भरे आते हैं जैसे बड़ी फैक्ट्रियों में अपना जो साबुन बनता है उसमें केमिकल डलता है जिसमें एसिड वगैरह ये कई ऐसे का, काम होते हैं जिसमें एसिड वगैरह भी काम आता है तो ऐसी फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं बच्चे वो जोखिम भरे काम होते हैं तो ऐसे काम के जो हैं उसमें सजा ज़्यादा है बाकी जो अपने स्टूडियो वगैरह हो गया जैसे आप कह रहे हो कि साहब उसमें जोखिम भरे काम कौन से हैं जोखिम भरे काम कौन से नहीं है जो बच्चे कर सकते हैं जो बच्चे कर सकते हैं वो हैं जैसे अपने स्टूडियो वगैरह पे हो गए चलचित्र हो गए जो बच्चों को संपूर्ण रूप से विकास करती है सर्वांगीण विकास करती है प्रोत्साहन करती है इनक्रेज करती है उनको उसके लिए जो है वो जैसे चलचित्र हो गया स्कूल में कोई टीवी प्रोग्राम से संबंधित कोई भी कार्यक्रम हो गया उसमें बच्चे भाग लेते हैं उसके लिए उनको ये जोखिम बड़े कार्य नहीं होते जी अनिल जी आप ये कहना चाहते हैं कि बच्चा अगर किसी भी तरह की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके किसी प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर अगर वो अपना सर्वांगिक विकास कर रहा है और उस विकास के साथ साथ अगर वो पैसा भी कमा रहा है तो कानून की नजर में वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता वो अपराध की श्रेणी में इसलिए नहीं आता क्योंकि कानून ये जानता है उससे उसका विकास होता है और, और भी बच्चे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित होते हैं इसलिए कानून उसको ये मानता है कि ये कार्यक्रम होने भी चाहिए और बच्चे करते भी है स्कूलों में होते हैं जैसे दौड़ वगैरह भाग दौड़ उससे फिजिकली डेवलप होता होता है बच्चों का ये सब होने भी चाहिए सर जी मतलब खेल कूद और इसके अलावा और जो एक्टिविटीज होती हैं वो, वो करनी चाहिए और अगर उससे आप पैसा भी कमा रहे हो तो वो अपराध की श्रेणी में भी नहीं है क्योंकि वो आपके विकास के लिए है हाँ। जी आ, जी अनिल बहुत अच्छी बात आपने ये आ, हमारे दर्शकों के साथ साझा की अच्छा मैं एक चीज आपसे जानना चाहती थी आप जोखिम भरे के साथ में चीजें बता रहे थे आग वाली जो चीजें बता रहे थे तो आपने एक चीज कही कि उनके लिए बहुत सारी मुहिम चलाई जा रही है तो क्या ये बचपन बचाओ जो एक आंदोलन हम अमूमन जो टीवी में देखते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं क्या ये उसी का हिस्सा है एक इसमें बचपन बचाओ आंदोलन एक एन था बड़ा वाला एन है इसमें बहुत सारे एन भी काम कर रहे हैं तो बचपन बचाओ जो आप एन की बात कर रहे हो तो इसमें बहुत सारे बच्चों को जो काम करते हैं उनको वहाँ से छुड़ाया जाता है न्यायालय में पेश किया जाता है उन बच्चों को बाल सुधार कर भेजा जाता है ये जो अपनी सबसे बड़ी समस्या है ये आती है अपने यूपी और बिहार से आते हैं यूपी और बिहार के बच्चे वहाँ बिहार में गरीबी है बेरोजगारी भी बहुत है तो यूपी और बिहार के बच्चे के काम करते हैं जी अच्छा एक चीज बताइए कि हम जब कभी भी आ, कोर्ट में जाते हैं या थाने में जाते हैं रिपोर्ट करते हैं ने? या ऐसे बच्चों को छुड़वा के जब लाया जाता है तो मुख्य दस्तावेज या साक्ष्य क्या होते हैं जिनके आधार पर ये पता चलता है कि ये बच्चा है और इससे हम जबरदस्ती काम करवा रहे थे तो वो साक्ष्य या दस्तावेज किसको माना जाता है उसकी क्या परिभाषा है उसकी परिभाषा ये है जब उस परिस्थितियों में अपन ये देखते हैं कहीं भी वो काम कर रहे हैं तो उनके लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं इन फैक्ट्री वालों के पास लीगल डॉक्यूमेंट आधार कार्ड वगैरह जैसे मेडिकल फिटनेस वगैरह ये इनके पास होता नहीं है तो उस दौरान क्या करते हैं ये लोग वहाँ काम कराते हैं उस समय उन बच्चों को वहाँ उस जो फैक्ट्री मालिक काम कराता है उसको एक एफ आई वाले कराते हैं थाने के अंतर्गत थाने से कार्रवाई होती है उस दौरान वहाँ जो उनसे एविडेंस लिए जाते हैं एविडेंस में ये होता है उनसे ना खुद की जो आप है, वो सुनी जाती है मजिस्ट्रेट के सामने एक के बयान होते हैं फिर एक के बयान होते हैं ये बयान होने के बाद और इसके अलावा जो भी वो काम कराए गए उनसे जहाँ से वो लाए गए बच्चे उनके पेरेंट्स से बातचीत की जाती है उनके पेरेंट्स को बाल सुधार घर में रख के पेरेंट्स उन बालकों को वापस भेजा जाता है फिर जी अनिल जी ये सारे जो दस्तावेज हुए ये तो उस फैक्ट्री मालिक को पकड़ने के लिए हुए बच्चे का कैसा पता चलेगा बच्चे का ऐसा क्या दस्तावेज देखा जाता है जिससे ये पता चले ये बच्चा है या ये किशोर नहीं है या ये वयस्क नहीं है क्या उसके बर्थ सर्टिफिकेट देखे जाते हैं या उसका मेडिकल मुआयना करवा जाता है क्योंकि जो गरीब लोग हैं आपने जैसे शुरू में जो चार पांच चीजें जो मुझे बताई थी मैं उन पर फिर आपसे दोबारा चर्चा करूंगी लेकिन जो आपने बताया था उसमें गरीबी थी अज्ञानता थी निरक्षरता थी जनसंख्या वृद्धि थी तो ये जो सारी चीजें थी ऐसे लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स होंगे ही नहीं जो सर्टिफिकेट जिसको घुटने तो है है? है है। है है, होते हैं वहां से एक इंजेक्शन लेके और उसको मेडिकल उसमें जांच में भेजा जाता है लेबोरेटरी में लेबोरेटरी में जांच होके ये आता है कि यहाँ मेडिकल वाले जो होते हैं डॉक्टर लोग वो ये बताते हैं इस बच्चे की अनुमानित आयु कितनी हो सकती है अगर उनके पास आधार कार्ड वगैरह कोई स्कूल पढ़ने का डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस दौरान वो क्या होते हैं डॉक्टर एक उनकी अप्रोक्सीमेट एज बताते हैं इस बच्चे की उम्र उस मेडिकल में ये होती है कि दस साल से बारह साल है या बारह साल से चौदह साल है वो अप्रोक्सीमेट लगभग ठीक बैठती है तो बारह साल से चौदह साल के बच्चों के लिए तक या सोलह साल अट्ठारह साल तक के बच्चों के लिए वो टेस्ट किए जाते हैं इस बच्चे की जिन बच्चों की आयु निर्धारित नहीं की जा सकती वो मेडिकल, से जाती है। मेडिकल इनका होता है, करता है इनको खाना नहीं देता है उस में जब ये करते हैं, तो उसका मेडिकल रिपोर्ट के आधार प्रूफ होता है जी आपने <laughs> जैसे क्रूरता का जो बताया तो हम लोग अकबर अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि चूड़ी के कारखानों में बच्चों को बहुत ज्यादा ऐसे छुड़ाया जाता है वहां से तो ये चूड़ी के कारखाने जो होते हैं जिनमें चूड़ी का निर्माण किया जाता है इसको कैसे हम लोग मान सकते हैं कि ये बच्चे का, बच्चे का के लिए हानिकारक है 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 या जोखिम जोखिम भरे कार्यों में इसमें इसमें ऐसी क्या चीज़ है? इसमें जो भरे कार्य इसलिए हैं जो ये चूड़ी वाले कार्य होते हैं इसमें क्या होते हैं लाख वगैरह ये सिगड़ी में बनती है ये क्या करते हैं इनके किराया महंगा पड़ता है जो मालिक होता है तो ये बेसमेंट में कार्य करते हैं फिर बच्चे क्या करते हैं सुबह छः बजे आठ बजे जब जगते हैं उसी काम में बैठ जाते हैं उनको खाना भी समय पर नहीं होता है उनका नाना धोना भी नहीं होता है इसलिए उनकी बीमारियाँ बढ़ती है तो वो ये सारा काम जो कराते हैं वो बेसमेंट में कराते हैं बेसमेंट में कराने की वजह से क्या है उनको बाहर का जो वातावरण है सूर्य का प्रकाश है जो मिलना चाहिए वो एक उसका अधिकार है वो नहीं मिल रहा उस वजह से जैसे उसको सूर्य का प्रकाश ही जिस व्यक्ति को नहीं मिल रहा तो उसके बहुत सारी बीमारियां होती है उसमें और जो लाख होती है नीचे आग जलती है उससे उसमें चूड़ी के कार्य किए जाते हैं उससे बच्चों की बीमारियाँ बढ़ती है उससे उसका पूरा विकास नहीं हो पाता और छोटी सी जगह में वो करीब पंद्रह पंद्रह बीस बीस बच्चों को बैठाते हैं तो उनके ऑक्सीजन लेने वाली भी एक बड़ी समस्या आ जाती है जी मतलब जिस तरह से पेड़ पौधों को धूप की जरूरत होती है हवा पानी की जरूरत होती है वैसे बच्चों को भी अपने विकास के लिए और सभी मनुष्यों को अपने सर्वांगिक विकास के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है और आप ये बता रहे हैं कि जो जोखिम भरे जो कारखाने होते हैं उनमें बहुत सारे बच्चों को एक साथ रख दिया जाता है वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होते हैं और वहाँ पर धुआं होता है जिसके कारण

जो केस था उसका टाइटल था एम सी वर्सेज तमिलनाडु सरकार उसमें यह था कि जो वकील साहब थे उन्होंने अपनी तरफ से एविडेंस पेश किए एविडेंस में यह था कि बच्चों से बहुत सारे ऐसे जोखिम भरे कार्य करवाए जा रहे थे उसके लिए उस फैक्ट्री मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई हुई इसके अंतर्गत जो न्यायालय का कहना था तमिलनाडु न्यायालय का जो कहना था वो ये कहना था कि आगे से बच्चों को अगर कोई ऐसा कार ऐसा कोई काम कराता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान हो गया सजा होती है ऐसे जो कार्य करवाया जाता है बच्चों से उसमें सब में सजा होती है और आजकल तो पॉक्सो में भी हो रही है हर कोर्ट के अंतर्गत सजा हो रही है साहब अगर मुलजिम दोषी है तो उसको सजा होती है जी तो मतलब ये चीज हुई कि मैं ये समझू आपकी इस बात से कि शायद वो शुरुआती दौर का वो रहा होगा कानून या उसका वो निर्णय रहा होगा जिसके आधार पर आज हम जो कानून देखते हैं जो 2016 के जो अमेंडमेंट है वो देखते हैं अच्छा 2016 से पहले आ, 1986 में ये कानून सबसे पहले आया हाँ। था जी तो 2016 में वो अमेंडमेंट करने की क्यों आवश्यकता पड़ी आखिर ऐसा क्या हुआ 2086 और 16 के बीच में उसमें कुछ कमियां थी उसको अमेंडमेंट जो श्रम सुधार था उसमें कुछ चीजें और जोड़ी गई थी वो अमेंडमेंट करना इसलिए जरूरी था कि उस समय सरकार की जो ज्ञान था प्रसंज्ञान में नहीं थी ये चीजें न्यायालय जब कार्रवाई करता है जब उसकी में आता है, या जैसे लगती है, उसके दौरान ही इनमें होती है जी मतलब उस समय ये चीजें शायद लोगों के दिमाग में रही होंगी कि 18 साल तक बच्चा है हाँ। या फिर वो चौदह साल और अठारह साल और फिर वो वयस्क वाली जो कैटेगरी जो आज हम देखते हैं वो शायद तभी हमको देखने को मिली अच्छा आपने एक चीज कही थी जनसंख्या वाली जिसके ऊपर हमें आपसे जानकारी नहीं ले पाई थी क्योंकि आपने जो चार बिंदु बताए थे उस पर जनसंख्या छूट गया था तो अनिल जी जनसंख्या कैसे कारण हुआ बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए? जनसंख्या ऐसे कारण हुई आज अज्ञानता रही तो आदमी के गाँव में ये गाँव में समझ लो चाहे शहर में समझ लो आप ये देखते होंगे आप भी देखते होंगे मैं भी देखता हूँ ये सब जब आदमी के पास अज्ञानता है तो कई कई फैमिलियों में अपन ये देखते हैं बाहर आप कहीं भी चले जाओ पाँच पाँच दस दस बच्चे होते हैं फैमिली प्लानिंग नहीं हो तो इस कारण से जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है तो आज की परिस्थिति को देख के दो बच्चे बहुत आते हैं दो बच्चों की परवरिश करना ही मुश्किल है उस दौरान अगर दस बच्चे हो तो दस बच्चों को खाना खिलाना माता पिता के लिए मुश्किल हो जाता है नहीं पर मैंने देखा है और शायद जो आपने कहा कि मैंने देखा है आपने देखा है तो वो शायद हम सब ने देखा हाँ? है कि बच्चे दो भी होते हैं ना किसी के तो वो उनको भी मजदूरी पे लगा देते हैं तो ये मतलब जनसंख्या वृद्धि हम इसका कारण माने या निरक्षरता माने या अज्ञानता माने या गरीबी माने आखिर मुख्य कारण क्या है क्योंकि जनसंख्या में तो किसी के पास एक बच्चा होता है ना जिसको काम पे लगाना होता है वो उसको भी मजदूरी करवा लेता है इसमें सबसे मेन कारण है वो निरक्षर नहीं होना आदमी का निरक्षरता जो निरक्षरता बोल सकते हैं अपनी इसको जब आदमी पढ़ा लिखा ही नहीं है तो ये उसकी सारी मेन जो आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो एक पशु तुल्य आदमी आता है अगर उसको जीवन जीने का ज्ञान ही नहीं है तो वो गलती पे गलती करता रहता है गलती पे गलती करेगा और आ, उसको वो समझ ही नहीं होगी कि वो आन, अपने अपना भविष्य खराब कर रहा है क्योंकि वही बच्चा उसके लिए कल को एक अच्छा आ, नागरिक बनकर उसके लिए जीव को पार्जन कर सकता है और उसको एक अच्छी लाइफ दे सकता है तो अनिल जी हम इस चर्च, चर्चा को फिर कभी किसी और ए, एपिसोड में फिर से आगे बढ़ाएंगे आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो दर्शकों उम्मीद करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई तमाम जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध अगले हो अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात कार्यक्रम रहेगा यही कानून की बात और तब तक के लिए नमस्कार